अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवी वीडियो के साथ दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आप बताते चलें कि इसराइल के जो खत्ते में बढ़ते तालुकात की वजह से पाकिस्तान आर्मी को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना था। दोस्तों आप बताते चलें कि बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, मुआहदा करने जा रहा है। तो दोस्तों इसराइल और बहरीन के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है उस हवाले से पाकिस्तान आर्मी के हवाले से एक अहम खबर खुलकर सामने आई है। तो दोस्तों वीडियो डिटेल की तरफ चलते हैं, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसराइल का बहरीन के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है उससे पाकिस्तान की मुश्किलात में भी रोज़ बरोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है। तो दोस्तों उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसराइल का यूएई के साथ मुआहदा होने के बाद जो है इसराइल ने यमन के एक जजीरा स्कॉट्रा नामी जजीरा पर अपनी जो है इंटेलिजेंस बेस भी कायम कर ली है, जिसका मकसद पाकिस्तान, चीन और ईरान पर नज़र रखना है और इनकी जो खुफिया मकाम हैं उनकी मालूम हासिल करना है। तो दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल ने जो है बहरीन का इंतखाबी सोचे समझे मनसूबे के तहत किया है, वो भी इसमें जो है अपनी प्लानिंग कर सकता है और अपनी इंटेलिजेंस बेस भी जो है बहरीन में कायम कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें बहरीन में जो इसराइल इस वक्त अपनी जो है इंटेलिजेंस बेस बनाने जा रहा है, तो उसके ज़रिए वो ईरान की बंदरगाह और पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह पर जो है नज़र रखने के लिए अपनी इंटेलिजेंस बेस कायम करने जा रहा है बहरीन में। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इस दौरान ये सवाल पैदा होता है कि पाक फ़ौज ने बहरीन छोड़ने का ऐलान क्यों किया, तो इसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी ने बहरीन को छोड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि आपकी स्क्रीन पर एक खबर सामने चल रही है कि बहरीन की हुकूमत ने भी जो है पाकिस्तान आर्मी को अपना फैसला वापस लेने का जो है लेने की दरख्वास्त की है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि खबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है कि जो इसने बहरीन ने अपनी फ़ौज की तरबियत के लिए इसराइल से राबता किया है। उससे पहले जो था पाकिस्तान की आर्मी जो है बहरीन की आर्मी को तरबियत दे रही थी, ट्रेनिंग उनको मुहैया कर रही थी। अब उन्होंने जो है इसराइल से राबता कर लिया कि उनकी जो फ़ौज है उसको ट्रेनिंग देने के लिए इसराइल के पास वो अपने फ़ौजी जवान भेजेंगे और इसराइल की टीमें इनके बहरीन में भी आकर उनको ट्रेन करेंगी। तो दोस्तों इस वजह से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी ने इसराइल की आर्मी की मौजूदगी में बहरीन की आर्मी को ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस वक्त जो है फैसला कर लिया कि वो वापस वतन चले जाएंगे और इसराइल बहरीन को जो है छोड़कर वापस जा रहे हैं, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग इसराइल की आर्मी की मौजूदगी में नहीं देंगे। दोस्तों ये हम अपडेट अगली तक ले जाते हैं। इजाज़त अल्लाह।